नंबर दो देखेंगे मूंग को हरी खाद के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मूंग को हरी खाद के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मूंग को हरी खाद के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मूंग को हरी खाद के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हरी खाद बन जाएगी नहीं बनेगी? कैसे बनेगी बताओ तो? कैसे? हाँ, पहले ही बताया हूँ कि किसी भी दलहनी या दलहनी फसल को खेत में उगाते हैं और उसके बाद उसी खेत में हम उसकी जुताई कर देते हैं और जुताई करने के बाद में वो पौधा क्या है पूरे मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं उसके बाद में वो क्या है सड़ जाते हैं, गल जाते हैं और काय का रूप ले लेते हैं, हरी खाद का रूप ले लेते हैं। काय का रूप ले लेते हैं? हरी खाद का रूप ले लेते हैं।